साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड के ओल्ड पेपर की, उसमें आज हमारा पेपर है आठवां कनिष्ठ अभियंता परीक्षा जो हुई थी 20 मई 2022 को, वो पेपर हम पूरा देखेंगे। साथियों शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नीचे से बेल आइकन दबा लें, जिससे सभी टेस्ट की सूचना आपको मिलती रहे। रोज़ सुबह आठ बजे ठीक है, 10 बजे पहले क्लास होती थी जीके की, इसलिए वो थोड़ा सा दिमाग में वही बैठ गया 10 बजे। रोजाना जो कक्षा से लेकर 10 तक क्लास करवाई हमने, वो रोज़ सुबह 10 बजे होती थी, और वो क्लास पूरी हो चुकी है। 66 क्लास हुई है साथियों, 66, और पूरी जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक पूरी क्लासें कर चुकी हैं ऑनलाइन अंदर। आज दिन में आपको मैं कोशिश करूँगा पूरी कक्षा 9 की एक मैराथन देने की, ठीक है, 3-4 घंटे की होगी वो। उसके बाद में कल या परसों आपको कक्षा 10 की मैराथन मिल जाएगी 8 घंटे के लगभग। बहुत ही महत्वपूर्ण है 9 और 10, ठीक है। देखिए पेपर शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक सूचना आपको देना चाहूँगा कि नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है साथियों, ठीक है। कमेंट बॉक्स ओपन करें, कमेंट बॉक्स में जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो सभी टेस्ट मैंने खुद बनाए हैं, और सभी टॉपिक का टेस्ट सीरीज है, थर्ड ग्रेड में चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, सभी महत्वपूर्ण है, वहाँ से जुड़े हैं। सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें अपनी कलम अपनी आज, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। देखिए वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है, वंश भास्कर जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, किस भाषा में लिखा गया है साथियों बताइए। डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश और हड़ौती, इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा आपके डिंगल, ठीक है, ए इसका राइट होगा। आगे राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदान, उच्च शुष्क एवं आंशिक जो सिंचित प्रदेश, अंतर प्रवाह शुष्क प्रदेश, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, बताइए कौन सा राइट है इनमें। अर्थात सबसे बड़ा कृषि जलवायु जो है वो हो जाएगा आपके उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश है वो हो जाएगा। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बताइए कौन सा होगा इसमें राइट। सोम कागदर जो होगा साथियों वो हो जाएगा आपके उदयपुर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज, एक तरफ दिया हुआ है एक तरफ खनन क्षेत्र दिया हुआ है, सही सम्मिलित कौन सा नहीं है वो पूछा है, देखिए बताइए कौन सा होगा इसमें, कौन सा है वो सही सम्मिलित नहीं है। गार्नेट, राजमहल, पन्ना, राजगढ़, घिया पत्ता, ऋषभदेव और रॉक फॉस्फेट सलादीपुरा, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें, जो होगा साथियों ये होगा रॉक फॉस्फेट और सलादीपुरा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुलगांव किस लोक देवता से संबंधित है, कुलगांव इसका आप मेरे साथ सभी सही कर देंगे, तलीना जी, बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपके बाबूजी, ठीक है। 56 का मैदान भाग है, माही बेसिन का, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, लोनी बेसिन, अब आप जो क्षेत्र आपको पता है कि चंबल का मैदान कहाँ पे है उस आधार पे इसको सही कर सकते हैं कि वो नदी कहाँ पे है, इस आधार पे भी आप सही कर सकते हैं इसको, माही बेसिन, बनास, चंबल और लोनी, बताइए कौन सा राइट होगा इसमें, इसका जो राइट हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा माही बेसिन, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई, राजस्व मंडल की स्थापना है वो कब हुई थी, 1949, 1959, 1969, 1979, बताइए राजस्व मंडल पूछा साथियों, अच्छा सवाल है, बताइए कौन सा होगा राइट, इसका जो होगा आपके हो जाएगा 1949, ठीक है। आगे राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं, अच्छा सवाल है ये भी, कितने पद स्वीकृत हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में, 40, 50, 60, 65, बताइए कौन सा राइट है, इसका जो राइट होगा वो जाएगा आपके 50, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया, बताइए 1977, 85, 87, 89, बताइए कौन सा राइट होगा, संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया, इसका जो राइट होगा वो होगा 1987। आगे देखिए नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, नाथरा की पाल वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताइए एस्बेस्टोस, टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट, लोह अयस्क, बताइए नाथरा की पाल, अच्छा सवाल है, ये होगा आपके लोह अयस्क, नाथरा की पाल, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है, बताइए सिरोही जिले में कौन सी चोटी नहीं है, देखिए कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा, शेर, बताइए इसका जो हो जाएगा आपके कमलनाथ की पहाड़ी, और ये सभी जो है वो सिरोही में
इसी तरह तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़े, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है, अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ से जुड़ें। टेस्ट सीरीज के लिए आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह एक ही आईडी आपको मिलेगी, अपनी कलम अपनी आवाज़ सीधे। और कोई सवाल है आपका पर्सनल, तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी पर्सनल आईडी है, रमाद सस्मा नाम से है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। स्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, राजस्थान में ऑक्सीजन जो पार्क है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बताइए, वो हो जाएगा आपके साथियों कोटा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं, सभी सवाल आपकी कक्षा 10 की किताब से भी बन रहे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं। शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कुचामनी ख्याल, मैंने जो पार्ट पढ़ाया था आपके प्रमुख लोक नाट्य के, उसमें ये बताया था कि नानूराम वाला विशेष रूप से आपको देख रहे हैं, क्या हुआ था इसमें, राइट हो जाएगा आपके शेखावाटी ख्याल, ठीक है। ये ख्याल वाला पूछ सकते हैं संबंधित जो व्यक्ति है उससे संबंधित। स्थानीय किस रियासत में ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया, स्थान की किस रियासत जो थी उन्होंने ब्लू जो पोल्ट्री थी उसको संरक्षण दिया, बताइए, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बताइए। देखिए ब्लू पोल्ट्री वाला हमने पढ़ा था इतिहास में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लगी, राजपूत पेंटिंग बहुत अच्छा सवाल है, कक्षा 10 की किताब से पूछा गया है। जयसिंह नीरज, राय कृष्ण दास, वाचस्पति गुगेरोला, आनंद कुमार स्वामी, बताइए, राजपूत पेंटिंग, इसका जो राइट हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्थानीय इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है, हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है, अच्छा सवाल, बताइए साथियों कौन सा होगा राइट, राइट कौन सा होगा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराजा राय सिंह, महाराणा राज सिंह, बताइए, हिंदूपत, इसका जो राइट हो जाएगा साथियों हो जाएगा महाराणा सांगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अलवर क्षेत्र की, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, बताइए साथियों कौन सा होगा राइट, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी सुकाली माता, सच्चिया माता, लटियाला माता, जिलानी माता, पढ़ा था हमने लोक देवी देवता जिलानी माता, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के शासक राज सिंह का शासनकाल क्या था वो बताना है आपको, बीकानेर के शासक जो थे उसके जो आपके शासनकाल बताना है, 1556, 1605, 1574 से 1610, 1574 से 1612, 1571 से 1608, बताइए कौन सा राइट होगा इनमें से, बीकानेर के शासक राज सिंह का शासनकाल पूछा है, तो साथियों इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा आपके 1574 से 1610, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी साथियों इसमें देखिए, हाँ नहीं नहीं इसका बी नहीं होगा, इसका जो राइट हो जाएगा साथियों वो जाएगा आपके 1574 से 1612 तक था इसका, ठीक है, दो साल, आप 1612 इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है इसका राइट 1612 तक, दो साल और, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्राकार बालुका स्तूप को कहा जाता है, चंद्राकार बालुका स्तूप है उनको क्या कहा जाता है, पढ़ा था हमने 6-7 में ये पार्ट आया था, चंद्राकार बालुका स्तूप को क्या कहा जाता है, सीप, बरकान, लुनेट और सब्र खाफीज, बताइए, अच्छा सवाल है, 1900 सवाल। चंद्राकार बालुका स्तूप की हमने बात की थी साथियों, वो कौन से थे, वो थे आपके बरखान, ठीक है, वो दरियन अलग थे, बरखान की बात यहाँ पे चंद्रकार, 19 में जाएगा आपके बी। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिला आयोजन समिति जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, वित्त मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बताइए, जिला आयोजन समिति, इसका जो जाएगा आपके साथियों जिला प्रमुख, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान का पहला, बताइए कौन सा राइट होगा, माचे जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, अबेदा कोटा, कौन सा राइट होगा, इसका जो होगा साथियों सज्जनगढ़ उदयपुर, माचे जो बायोलॉजिकल पार्क है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है, घग्गर, साबी, बाणगंगा, माही, बताइए, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपके
बाण गंगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, बस्तर नगर भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखिए बताइए इसका जो साथी पूर्व का पेरिस उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, अकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर, बताइए कौन सा राइट होगा। इसका जो राइट हो जाएगा साथियों कौन सा होगा बताइए, अकलवुड फॉसिल पार्क पूछा है, जैसलमेर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा साहित्यिक कृति लेखक सुमेलित नहीं है बताइए, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, राजवल्लभ मंडन, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर, प्रबंध कोश चंद्रशेखर, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राइट हो जाएगा प्रबंध कोश चंद्रशेखर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया बताइए, कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया, 1217, 1207, 1195, 1227, बताइए कौन सी ईस्वी में बनाया था कछवाहा राजवंश। इसका जो राइट हो जाएगा आपकी 1207, ठीक है। आगे, सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, देखिए कितना शानदार सवाल है, ये हमारे कक्षा 10 की किताब से बना है, लगभग सभी सवाल यहाँ से बन रहे हैं। मिट्टे साहब की दरगाह किस दुर्ग में है, गागरौन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, बानगढ़, बताइए इसका जो हो जाएगा आपके मिट्टे साहब की गागरौन, ठीक है। राजस्थान में केशवरायपाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है, केशवरायपाटन जो प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर हो किस देवता को समर्पित है, भगवान कृष्ण, विष्णु, राम, शिव, बताइए। ये जो राइट हो जाएगा आपके साथियों इसमें हो जाएगा आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। आगे, चित्रकार अली राजा, हामिद, रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, हमने चित्रकला शैलियाँ पढ़ी थी उसमें जो प्रश्न आया था रामलाल वाला, याद होगा आपको, अली राजा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, बताइए इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। आगे देखते हैं, जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है, जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है, अपंग, नड, अलगोचा, खड़ताल, बताइए इसका राइट हो जाएगा साथियों बपंग, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है, जो कहाँ पे है, पोदार की हवेली, महंसर, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़, बताइए इसका हो जाएगा साथियों, हमने पढ़ा था नवलगढ़, ठीक है, हवेलियाँ पढ़ी थी हमने कक्षा 10 में, नवलगढ़ वाला पोदार की हवेली, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को नदी पर बिठाने में सहयोग दिया बताइए, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह, सूर सिंह, कौन सा होगा राइट, इसका जो राइट हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपके अजीत सिंह, 32 में बी हो जाएगा राइट। आगे, राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, बहुरूपिया जो कला होती है भांड जिसे लोग भाषा में कहते हैं, ठीक है, बताइए बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे हैं, देवीलाल सागर, जानकीलाल भांड, लच्छीराम, अल्लाजी लाई भाई, बताइए इसका जो राइट हो जाएगा साथियों हो जाएगा जानकीलाल भांड, ठीक है, बीस का राइट हो जाएगा। आगे, इतिहासकार जी एच ओझा के अनुसार मतिरे किराड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था, अच्छा सवाल है, मतिरे किराड़ वाला कब लड़ा गया बताइए, 1640, 44, 48, 50, कब लड़ा गया था, यह आपकी राइट हो जाएगा साथियों, देखिए इसमें 1644 ईस्वी में। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूरी सीमा निर्धारित करती है, पूरी सीमा बतानी है, कौन सी जो वर्षा रेखा है वो निर्धारित करती है, 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, बताइए इसका जो राइट हो जाएगा साथियों आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको दो भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष का नाम बताना है, जो वैज्ञानिक नाम है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, टिकोमेला अंडुलेटा, और उसके बाद में हो जाएगा साथियों देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और होहोबा, बताइए राज्य वृक्ष का नाम, बताइए कौन सा राइट होगा, इसका जो राइट हो जाएगा साथियों हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राजप्रशस्ति का काल क्या है? अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। राजप्रशस्ति का समय बताना है, 1652, 1576, 1676, 1439, बताइए। इसका जो राइट हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा आपके 1676, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 221 वर्ष हुई। अब बताइए कौन सा सवाल इसका ऑप्शन राइट होगा, 1952, 1967, 77, 87, बताइए। किस वर्ष आपकी 200 हुई थी? 1977 के समय हुई थी साथियों, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू कब हुआ था? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, 26 नवरी 2011, 15 अगस्त 2011, 2 अक्टूबर 2011, 16 नवंबर 2011, बताइए। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसका जो राइट होगा वो जाएगा आपकी 16 नवंबर 2011। आगे, ओसे के मंदिर समूह किस वंश की देन है, बताइए। अच्छा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राठौड़, गुहिल, चावंडा और प्रतिहार। इसका जो राइट हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा प्रतिहार वंश, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों हमने देखिए आपके 40 प्रश्न, ठीक है, जो इस परीक्षा में पूछे गए थे, बहुत ही अच्छे सवाल हैं सभी। साथियों जितने भी साथी अब जुड़ रहे हैं एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएँ। कंटिन्यू आपको क्लास मिल रही है साथियों, टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में जो टेस्ट सीरीज का लिंक है आप वहाँ से जुड़ सकते हैं विशेष रूप से, और साथियों अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं। सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, अपनी कलम अपनी आवाज़। क्या डाउनलोड करना है आपको? अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। आप सभी को जैसे पता ही है, देखिए अपनी, उसके बाद आपको सर्च कराना है, सभी जो चैनल का नाम है अपनी कलम अपनी आवाज़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहाँ पे इन सभी किताबों का कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी किताबों की PDF और लाइनर हाइट जो हाइलाइट्स की भी PDF सभी आपको एक जगह मिल जाएगी, ठीक है साथियों। उनके अलावा अगर आपके प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। विशेष रूप से जो प्रश्न आ रहे हैं साथियों के, पेपर सोल्व करने को लेकर, किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, किस प्रकार से माइनस मार्किंग से बचना है हमें, सभी बातों को लेकर एक छोटा सा वीडियो मैं आपको कल तक उपलब्ध करने की कोशिश करूँगा। सभी साथी इसको एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि लाइक करके शेयर कर दें, जिससे सभी साथी इस टेस्ट से जुड़ सकें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।